ये यकीनन पास हुआ है, जैसा मैंने लोकसभा में कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि हम तीसरी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सिलसिले में। एक 53 में शेख साहब की गिरफ्तारी, 87 का असेंबली इलेक्शन का रिग होना और 2019 का इस तरह कानून पास होना। कश्मीर की आवाम अपनी जमहूरियत के लिए लड़ते रहेगी और सबसे बड़ा मसला कश्मीर में उन कश्मीरियों के एम्पावरमेंट का रहा है और अमन रहेगा, सब रहेगा, मगर कब क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। और मैं नहीं समझता कि ये कानून से कुछ होने वाला है, बल्कि और ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि हमने एक तारीखी गलती की है आज लोकसभा में इस बिल को पास कर। आज अगर सरकार ये समझ रही है कि कश्मीर में अमन है तो ठीक है, हम जहाँ तक मुझे मालूम कश्मीर के बारे में, कश्मीर में अमन रहता है, मगर जब गड़बड़ होती है तो उस वक्त ज़्यादा गड़बड़ होती है।